हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर एंड दिस इज़ लॉक्यूपाइड। ठीक है, तो हमारी भाई दो एक मतलब सीरीज चल रही थी, ठीक है, अबाउट ऑल अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो आई एम बैक विद पार्ट टू। पार्ट वन ऑलरेडी यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, एंड देन कम बैक टू पार्ट टू। ठीक है, तो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा। ठीक है, और आज हम बात करेंगे बेसिकली बिल्स जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं उसके टाइप्स, और पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टाइप्स। ठीक है, और क्या बेसिकली इंट्रिकेसीज होती है वगैरह वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिल्स की अगर हम बात करें तो भाई दो बिल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स। ठीक है, और सेम ही प्रोसीजर है वैसे तो अगर देखा जाए तो पास करने का, और फिर मतलब एक हाउस से जाएगा दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस से फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपना रेटिफिकेशन देगा तो भाई वो गजट में आएगा, गजट के बाद फिर एक्ट बन जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें कि पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जो मतलब मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसमें जो MP होते हैं हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, जिनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती, जो मिनिस्टर नहीं होते सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं होती उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, ईजी है याद रखना कि भाई प्राइवेट मेंबर्स वो होंगे जिनको सिर्फ अपने अपने से मतलब है, मिनिस्ट्री नहीं है उनके पास कोई। ठीक है, मैं बस ये याद रखने के पर्स्पेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कोई मिनिस्ट्री अलॉटेड नहीं होती। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है अंग्रेजी में, एन MP हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर इज़ अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, और दोनों प्राइवेट मेंबर्स और मिनिस्टर जो होते हैं, दोनों दोनों लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में। ठीक है, और पर जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो जो बिल लाते हैं पार्लियामेंट में, वो जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट मेंबर्स बिल। और जो मिनिस्टर्स बिल इंट्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट बिल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्क है पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल को पब्लिक बिल भी बोला जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, प्राइवेट मेंबर जो जो जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं होती, जो मिनिस्टर नहीं होते, वो कोई बिल अगर ला रहे हैं तो दैट बिल शैल बी टर्म्ड एज द प्राइवेट मेंबर्स बिल। और अगर कोई मिनिस्टर कोई बिल ला रहे हैं, कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो दैट बिल शैल बी टर्म्ड एज अ गवर्नमेंट बिल और अ पब्लिक बिल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स दीज बिल्स कंसर्न विद एनी मैटर्स अदर देन द फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, पैसे से रिलेटेड अगर वो बिल नहीं है तो दैट बिल शैल बी टर्म्ड एज एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, मनी बिल्स द बिल्स आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, ये वाला था फाइनेंशियल मैटर्स जो नहीं है उनका नाम होगा ऑर्डिनरी बिल्स, बट भाई अगर फाइनेंशियल मैटर्स है तो नाम होगा तुम्हारा मनी बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल दीज बिल्स आर नॉट कंसर्न विद दो द फाइनेंशियल मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मनी बिल। ठीक है, मनी बिल में जो फाइनेंशियल मैटर्स नहीं आते, ठीक है, कुछ कुछ मैटर्स होंगे जो भाई मनी बिल के पर्स्पेक्टिव से, मनी बिल के एम्बिट से बाहर होते होंगे। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को फाइनेंशियल बिल में कवर किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मनी बिल में सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होती। फाइनेंशियल काफ़ी, फाइनेंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है भाई, उसको सिर्फ एक ही मनी बिल में तुम कंसाइज करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो मनी बिल में कुछ चीज़ें आती हैं, बट कुछ चीज़ें जो मनी बिल में नहीं आ पाती उसको भाई फाइनेंस बिल्स में लाया जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा सबसे फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई फेरबदल करनी है, तो भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एकदम इजी चार बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इजी, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में मनी बिल की बात होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आर्टिकल 110 क्लॉज 1 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है,
money bill, a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax, matters of consolidated fund, or provides imposition of fines, etc. अब consolidated fund basically क्या होता है, इसकी बात article 266 clause 1 में करी गई है, if I am not wrong, ठीक है, एक बार check कर लेना. तो consolidated fund basically हमारी जो government होती है उसका account होता है, ठीक है, कि कितना पैसा आपके पास via taxes आ रहा है, ठीक है, जो हम tax भरते हैं उससे कितना पैसा आ रहा है, revenue कितनी generate हो रही है, और फिर बाद में government कितना खर्च कर रही है, ठीक है. तो दोनों चीज़ें मेंशन होती है कंसोलिडेटेड फंड में. कंसोलिडेटेड फंड इज़ द बेसिकली बैंक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल है, ठीक है, अगर कोई प्रोविजन है जो इससे डील कर रहे हैं, तो भाई आपका बिल मनी बिल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. और स्पीकर का बेसिकली कॉल होता है कि एक बिल मनी बिल है कि नहीं, ठीक है. और स्पीकर ने एक बार अगर बोल दिया तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड फर्दर, ठीक है. स्पीकर की बात फिर चैलेंज नहीं की जा सकती. और मैं स्पीकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनी बिल हमेशा 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 लोकसभा में आता है सबसे पहले, ठीक है. मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली, ठीक है. और इस पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्स टू एवर यू नो टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल, और स्पीकर कंसिडर करता है कि एक बिल मनी बिल है कि नहीं. अगर स्पीकर ने बोल दिया कि भाई ये बिल मनी बिल है, तो उसकी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एकदम इजी पीजी. और आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में मनी बिल की बात होती है, ठीक है. आगे चलते हैं, तो अब आर्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आर की सबसे पहले बात करते हैं. तो भाई क्वेश्चन आर की बेसिक डेफिनेशन होती है द फर्स्ट आर और ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आर, ठीक है. अगर पार्लियामेंट की सिटिंग 9 बजे शुरू हो रही है, तो भाई 9 से 10 AM का जो टाइम होगा, दैट शैल बी कंसिडर्ड एज द क्वेश्चन आर, ठीक है. कभी कभी ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कब बेसिकली एक बार शिफ्ट हुआ था, बट जनरली हमेशा जो पहला घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं, ठीक है. और इस एक घंटे में बेसिकली होता क्या है, तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स and hold them accountable for the functioning of their ministries, ठीक है. जितनी भी ministries काम कर रही हैं आज central government में, उसके ministers से जो MPs होते हैं, member of parliament होते हैं, वो question करते हैं, और basically उनको accountability, उनकी accountability पूछी जाती है कि भाई आपने ये काम कब किया, कैसे किया, मतलब फलाना ढिमकाना question पूछते हैं basically, ठीक है. The question can only be asked to the private members, ठीक है, MPs who are not ministers, ठीक है, ये याद रखना. आगे चलते हैं, तो अब बेसिकली भाई क्वेश्चन किस किस प्रकार के होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. ठीक है, तो अगर हम काइंड ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो दो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं. सबसे पहले इज द स्टार्ड क्वेश्चन एंड द सेकंड वन इज अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है. तो एस्टरिस्क से इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, ठीक है, जो मार्क होता है ऐसा वाला, ठीक है. दिस रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, ठीक है. इसका आंसर आपको ओरली देना होता है, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वो ओरली इसका आंसर दे सकते हैं, और फिर बाद में अगर उस आंसर पे कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको भी पूछा जा सकता है, ठीक है. स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं. अब अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, दिस रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, ठीक है. अब भाई रिटन आंसर चाहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई वो आंसर अपना लिख के ला पाए, ठीक है. और अब वो लिख के ला रहे हैं आंसर, तो भाई आप उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर नहीं पूछ सकते, जब आंसर आएगा तब फिर जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए इसको अनस्टार्ट क्वेश्चन कहा जाता है. अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा रिटन चाहिए होता है, और स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा ओरल चाहिए होता है, ठीक है. ये फ़र्क है दोनों में. एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. इसको दिस इज़ द वन दैट इज़ आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, ठीक है. इट इज़ आंसर्ड ओरली, ठीक है. और 10 दिन से बेसिकली कम का आपको नोटिस देना पड़ता है ये क्वेश्चन पूछने से पहले, ठीक है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, और इसका भी आंसर आपको ओरली देना होता है, इसको भी रिटन में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो तीन टाइप हो गए आपके सामने, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है. एकदम ईजी डेफिनेशन है तीनों की, ठीक है. आगे चलते हैं, तो अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि भाई कितनी कितनी देरी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन आर जो हमने पहले बताया
in both the houses is held on all days of the session, but there are 2 days when an exception is made. ठीक है, अब जब पूरा का पूरा सेशन चलता है तो जनरली तो हर दिन क्वेश्चन आवर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 9 बजे पार्लियामेंट की सिटिंग स्टार्ट हो रही है तो 9 से 10 AM तक क्वेश्चन आवर चलेगा। ठीक है, बट दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब क्वेश्चन आवर नहीं होता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस MPs फ्रॉम बोथ द हाउसेस। द प्रेसिडेंट स्पीच टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लोकसभा एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट ईयर। ठीक है, अगर नया पार्लियामेंट का साल है तो भाई प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, और अगर नई लोकसभा बनी है तो भी प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, और प्रेसिडेंट की स्पीच हमेशा स्टार्टिंग में होती है। ठीक है, 9 से 10 बजे के टाइम के, जैसे मैं 9 मतलब एकदम प्रॉपर टाइम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी टाइम पार्लियामेंट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब जब स्पीच होगी तो क्वेश्चन आर कहाँ होगा? ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट की स्पीच होती है तो क्वेश्चन आर नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा, जब फाइनेंस मिनिस्टर भाई हमारे देश का बजट इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, बजट हमेशा स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है 9 से 10। ये 9 भाई मैं मतलब जनरल टाइम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बैठ मत जाना, नोट्स मत बना लेना कि पार्लियामेंट 9 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, मैं 9 बस एक जनरल टाइम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 9 बजे पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है और उस दिन नेशनल बजट इंट्रोड्यूस होना है पार्लियामेंट में, तो भाई क्वेश्चन आर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आर नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 0R की। तो 0R बेसिकली इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट इनोवेशन। ठीक है, कहीं ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और पार्लियामेंट की रूल बुक्स में भी कहीं नहीं लिखा है 0R के बारे में। ठीक है, और इसमें जो MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो मैटर्स रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है, इसमें कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती, आप एज इट इज़ क्वेश्चन मैटर्स रेज कर सकते हो सामने। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन आर ख़त्म होता है वैसे ही 0R स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 9 से 10 भाई तुम्हारा क्वेश्चन आर चल रहा है तो 10 बजे जैसे ही क्वेश्चन आर ख़त्म होगा तो 0R स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 बजते ही। ठीक है, और जैसे ऐसे यहाँ लिखा है अंग्रेजी भाषा में, द 0R स्टार्ट इमिजिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। ठीक है, उस दिन का जो भी एजेंडा होता है कि भाई हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है, जब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता वाय द लीडर लीडर ऑफ द हाउस, तब तक 0R चलता रहता है। ठीक है, तो भाई जो गैप होता है क्वेश्चन आर और एजेंडा के बीच में, उसको कहा जाता है 0R। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आर और एजेंडा जो भी आपको डिस्कस करना है पार्लियामेंट में, उसके बीच में जो 1 घंटे का गैप होता है, दैट इज टर्म्ड एज द 0R। ठीक है, एकदम ईजी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आर 9 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे ख़त्म हो गया, 10 बजे हमारा स्टार्ट हुआ 0R, 10 बजे स्टार्ट हुआ और तब तक चलता है जब तक एजेंडा डिस्कस होना शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, एजेंडा जो भी उस दिन का होगा कि भाई हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, एकदम ईजी। तो भाई इसी के साथ हमारी ऑल अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट की जो सीरीज़ थी, ये बेसिकली हमने 2 पार्ट में कवर करी। दिस इज़ फिनिश्ड टुडे। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में अब आपको बहुत सारी जानकारी हो गई है। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि भाई वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में, और बता देना कि अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एज़ फार एज़ जनरल क्लैट प्रेप इज़ कंसर्न। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का आप डाउट पूछ सकते हैं इस पर, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, एंड प्लीज़ यूट्यूब चैनल लॉक्यूपाइड को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, यहाँ तक आए हो तो प्लीज़। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।